चलिए जी, आ जाइए जी। हमारा क्या है आज का पार्ट, जी नॉट फेज, सॉरी जी टू फेज से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में अगर आप लोग को याद हो तो हम लोग एस फेज तक जो है अपना काम कर चुके। देखिए एस फेज में हमारी क्या हो रही थी, सिंथेसिस हो रहा था डीएनए का। तेरा जी मैं फिलहाल चंडीगढ़ से हूँ। चलिए जी, तो आज का हमारा जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारा किससे, जी टू फेज से। आप लोग की क्लास का बैच वैसे भी आपको पता है कि मुझे पसंद है, क्योंकि आप कितना बढ़ती है फटाफट से। चलिए जी, क्या कहानी है हमारी जी टू फेस की। जी टू फेस में क्या होता है ना, एक तरीके से अगर आप ये देखोगे ना तो क्या चल रहा है हमारा, कि हमारा जो सेल है आपको पता होना चाहिए हमने सेल को कितने चार पार्ट्स में डिवाइड किया था, राइट। एक था हमारा एम फेस, फिर हमारा जी वन फेस था, फिर हमारा एस फेस था, और देन हमारा था जी टू फेस, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। जीवन और जी टू के जीवन और एस के बारे में आप पढ़ के आए हो। जी टू फेस एक तरीके से आप ये सोच लग सकते, आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आप लोग का नहीं होता है कि क्या बोलते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास पास किया, फिर 11th में एडमिशन लिया, 11th में पढ़ाई लिखाई स्टार्ट की, अवंती सिंथेसिस में समझ लो अवंती से आके पढ़े बढ़े, और ये जो है आपका क्या मियोसिस में क्या हो रहा है, आपका एग्जाम हो रहा है। मियोसिस फेस क्या है, आपका एग्जाम फेस है। तो एग्जाम से पहले आप क्या करते हो, रिवीजन। तो जी टू फेस ना एक तरीके से रिवीजन है कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, वही सारी चीजें इनके साथ हो रही है। कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या है एम फेस में हमारे को क्या करना है, डिवीजन स्टार्ट करना है, मतलब कि कैरियोकाइनेसिस हमें स्टार्ट करनी है, डिवीजन ऑफ जो न्यूक्लियाई है वो हमें एम फेस में स्टार्ट करना है। तो एक तरीके से आप समझ जाओ कि जो हमारा जी टू फेस है ना वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि सारे सारे जो सेल्स हैं हमारे आर दे प्रिपेयर्ड कंप्लीटली फॉर द डिवीजन और नॉट, ठीक है। तो ये है हमारी कहानी जी टू फेस की। इसको आप क्या कह सकते हो कि जी टू फेस में क्या हो रही है, हमारी ग्रोथ है वो कंटिन्यू करे रहेगी, ठीक है। जो हमारा सेल का ग्रोथ का तरीका है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा, और साथ साथ में सेल ये भी देखेगी कि हमारे जो सेल है वो सारे के सारे ऑर्गेनेल्स को उसने प्रोड्यूस कर लिया है या नहीं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हमको चाहिए नेक्स्ट डिवीजन के लिए वो हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। एक तरीके से ये समझो, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना वो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप लोगों का जो एम फेस है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर एग्जाम। और एग्जाम से पहले आप क्या करते हो, रिविजन करते हो, कि चेकिंग करते हो कि आप लोगों ने सब कुछ किया हुआ है या नहीं। चलो जी आगे बढ़ जाइए जी, वेलकम एवरीवन टू द सेशन। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा आ गया जी नॉट फेस। अब जी नॉट फेस की कहानी क्या है, देखो एम फेस तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, एम फेस है थोड़ा सा लंबा, इसलिए हमने पहले से पहले ले लिया जी नॉट फेस। जी नॉट फेस की कहानी क्या चल रही है, वेरी सिंपल। जी नॉट फेस, जी नॉट फेस में हमारे वो सारे सेल्स आ जाते हैं जो क्या है, कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे। इसे क्या हुआ, ठीक है, इसमें हमारे कौन से सेल्स आ जाते हैं जो कि कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, विच विल नेवर डिवाइड। उसमें हमारे कौन से सेल्स आते हैं, जैसे हमारे कार्डियक सेल्स, जो कि हमारे क्या कार्डियक सेल्स होते हैं, जिनको एक बार सेल बन गए वो कभी भी उसके बाद डिवाइड नहीं करते, ठीक है। दूसरे हमारे वो सेल्स आ जाते हैं जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं, जो कि क्या होता है बच्चा जी, कभी कभी डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसमें आते हैं हमारे इस तरीके के सेल्स भी, और जो वो सेल्स आते हैं विच नीड्स क्या रिपेयर, जिनको क्या हमारे रिपेयर की जरूरत है, ठीक है। तो इस टाइप जो हमारे जी नॉट फेस है उसमें आप इसी तरीके से लिख के आना कि इस कैटेगरी के हमारे सेल्स होते हैं, एक तो वो सेल्स जो कि हमारे कभी डिवाइड नहीं करेंगे, विच विल नेवर डिवाइड, एक वो जो कि ओकेजनली कभी कभार डिवाइड करेंगे, और तीसरे वो जिनमें क्या कुछ ना कुछ कमी रह गई है या कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इस वजह से क्या हो गया वो जी नॉट फेस में डाल दिए जाएंगे, और फिर वो वहां पे पहले सही होंगे, मतलब क्या उनको ठीक किया जाएगा, एंड देन विल दे विल बी एबल टू डिवाइड, ठीक है जी। कितनों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है, फटाफट से एक आंसर दे दो मुझे येस और नो का। कितनों को ये बात, तीनों की टाइप से समझ में आ गए हैं वैष्णवी जी, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलो जी, अब वही चीजें जितनी मैंने, अगर आपको ये सब समझ में आ गई ना तो बस वही चीजें मैंने यहाँ लिख दी है, क्या कि सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिविजन, जिसमें क्या डिविजन नहीं होता, जैसे कि हमारी हर्ट सेल कह लो या कार्डिक सेल कह लो, एक ही बात है, और बहुत सारी सेल्स ऐसी होती है जो कभी कभार डिवाइड करती है, नॉट एवरी टाइम दे यूज टू डिवाइड। फिर क्या है कि दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट इन जीवन फेस, मतलब क्या
मतलब ये कि जो हमारा शिवा जी आ रही हूँ बच्चा जी, पूरे पूरे चैप्टर को करूंगी, पर आपको पता है मेरा तरीका, मैं कैसे है, शायद आप भूल गए होगी मैं कैसे पढ़ाती हूँ, कि मैं पहले एक बार पूरे चैप्टर, पूरा जो पेज पे लिखा हुआ है ना, उसको पहले अपने लैंग्वेज में समझा देती हूँ, फिर एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ जी वैष्णवी जी, सब एग्जाम्पल होगा उसमें। चलो जी, क्या कहानी है इसकी? हमारी इसकी कहानी ये रहती है कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि हमारे सेल साइकिल में क्या, जो चार इवेंट्स चल रहे हैं ना बच्चा जी, उन चार इवेंट्स में से जो हमारा जी नॉट फेस है, जहां पे भी है वो हमारा कौन से, इसमें देखो अभी मैंने आपको समझाया कि वो सेल जो हमारे कभी डिवाइड नहीं करते, तो जो इन सेल हमारे कभी डिवाइड नहीं करते, अब क्या वो, उनको जरूरत है एस स्पेस में जाने की, जहां पे वो डीएनए का सिंथेसिस करेंगे, क्या उसके बाद आपको क्या लगता है कि उनको जरूरत है जी टू फेस में जाने की या एम फेस में जाने की? क्योंकि जो भी हमारे जो सेल्स हैं, अगर एस स्पेस में आ गए, एस स्पेस का मतलब क्या, अभी पढ़ के आते हो कि सिंथेसिस ऑफ व्हाट, सिंथेसिस ऑफ हमारा क्रोमोसोम होगा, कि यहाँ पे डीएनए का हमारा सिंथेसिस या रेप्लिकेशन जो है होगा, तो उन सेल को तो क्या बोलते हैं, रेप्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो क्या कर लेंगे, जीवन से ही कल्टी मार लेंगे, ठीक है, जीवन से ही गायब हो जाएंगे, ठीक है जी। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कहते हैं कि इस स्टेज के जो सेल्स होते हैं ना, उनमें ऐसा नहीं है कि डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, वो जो है अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो करेंगे, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, मतलब वो तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जरूरत ना हो कि उसमें एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है जी। कि द सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जब तक कि ऑर्गेनिज्म में रिक्वायरमेंट ना हो। देखो जी क्या करूं, इसको दोबारा से बना दूं एक बार, या फिर आप लोग इसी से समझ लोगे? पहले तो मुझे बस ये बता दो, अगर आप लोग चाहते हो, बिकॉज आपके बैच के लोग को पता है मुझे पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपके बैच के पास टाइम होता है, क्या चाहते हो एक बार बता दो फटाफट, क्योंकि यही जो है ना पूरे आपके चैप्टर की समरी है, पूरे चैप्टर की समरी, जितना ये अभी आप आगे पढ़ोगे ना, बहुत ही दुष्ट बच्चे हो तुम सारे के सारे, बोल देते हैं मैम यार इसे समझ लेंगे। चलो जी नहीं है तो फिर कोई नहीं, मैं हटा ही देती हूँ। बस उस वाले को रहने दो, क्योंकि कम से कम स्टार्ट के स्टार्टिंग का तो बल्ले बने रहने दो, उसको भी उड़वा दोगे तुम लोग या फिर। चलो क्या कहानी है हमारी, ये रही हमारी कहानी। देखो अभी जो आप ना सेल का न्यूक्लियस पढ़ने वाले हो ना, आप लोग ये देखने वाले हो कि हमारा जो जो मैडम आपकी सुबह से कितनी क्लासेस क्या करेंगे, अंशिका जी मेरी क्लास कम करवाएंगे आप? कोई बात नहीं बेटा जी, दैट इज माई ड्यूटी। आप पता है पता है, इससे अंदाजा लगा लिया करो ना कि जितने मैंने पेन्स यूज करे हैं ना, जैसे मोस्टली एक क्लास में, तो उतने आपको, जैसे कभी कभी तो मैं सेम ही यूज कर लेती हूँ, वरना यूजली मेरे तो मेरा आदत ये रहता है ना कि जैसे इस वाले स्लाइड में अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे एक जगह व्हाइट से लिखा है, एक जगह ब्लू से लिखा है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि ना पेन थोड़ा सा डिफरेंट कर लेती हूँ, बिकॉज बार बार इतने लिखने में ना, कुछ बैचेस ऐसे होते हैं जो जिसकी क्लास शार्प 1 घंटे की होती है, जैसे तुम लोग को तो मैं 15 मिनट पहले पढ़ा स्टार्ट कर दूँ, 15 मिनट बाद में पढ़ा दूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट कुछ बच्चों की क्लास ऐसे 9 से 10 वाला बैच है, सबसे गंदा बैच लगता है मुझे, क्योंकि करेक्ट 9 बजे से ही बच्चे आते भी हैं, 9:05 से हमें स्टार्ट करनी होती है और 10 बजे करेक्ट बाइंड भी करना होता है, क्योंकि आप लोग की क्लास होती है नेक्स्ट। चलो जी चलो 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 चलो, मेरे लिए वो मत करो। देखो अब आगे वाले जो अभी आप डायग्राम पढ़ने वाले हो ना, आप ये पूरा आपका सेल है, कोई न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, कुछ नहीं, कोई न्यूक्लियस नहीं, ठीक है। आप जो हमारा सेल है ना, वो जो हमारा मतलब जो क्रोमोजोम होगा ना, वो पूरा का पूरा कहाँ आ गया है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया है, ठीक है। जितना भी हमारा उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था या न्यूक्लियर एनवेलप था, जो साइटोप्लाज्म था, वो साइटोप्लाज्म है, बाकी सारी चीजें जो है वो गायब हो चुकी हैं, ठीक है। ये है हमारी इसकी मेन पहली कहानी। अब दूसरी कहानी क्या है कि यहाँ पे आपको ये कुछ चीज दिख रही होगी, इस तरह से रहते हैं, ठीक है। ये रही हमारी एक चीज, जिसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर या माइटोटिक स्पिंडल, जो कि हमारे ना दोनों पोल्स पे आप देख सकते हो, दोनों पोल्स में इजिली दिख रही है आपको, ठीक है जी। उसके अलावा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है बच्चा जी, यहाँ देख लो आप, ये रहा आपको जो दिख रहा होगा आपका क्रोमोसोम, इसको भी दोबारा ही बना लेते हैं। ये है हमारा क्या, अगर आपको दिख रहा होगा बड़ा प्यारा सा, खरगोश के कान नहीं है ये है हमारा क्रोमोसोम, ठीक है जी। ये है क्रोमोसोम हमारा पूरा का पूरा। ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम, क्या कहा जाता है बच्चा जी इसे,
सेंट्रोजोम, ठीक है। और सेंट्रोजोम के ना आजू बाजू एक चीज होती है, कौन बताएगा इसको क्या कहते हैं, जो कि जो हमारे पूरे के पूरे क्रोमोसोम को क्या है ना पकड़ के रखती है, क्या कहा जाता है इसे, कौन बता रहा है, बोलो बोलो जी। ने हिस्टोन पे कहाँ पहुंच गई हो यार, अभी हिस्टोन अभी बहुत दूर की कहानी है, हिस्टोन आपका। हाँ जी कलश जी बिल्कुल सही, प्रियांशी ने भी कोशिश सही लिखी है बट स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी है, उन्होंने भी सही लिखा है वैष्णवी देवी काइनेटो फोर्स। वैष्णवी आप लास्ट क्लास में भी थे क्या बच्चे अभी, ठीक है बिल्कुल सही का काइनेटो फोर्स, ठीक है जी। चलो जी अब आ जाइए जी कहानी हमारी जो आपको आज के चैप्टर में समझनी है। ओके जी, मुझे लगा क्योंकि एक और वैष्णवी भी है हमारी क्लास में, इसका मतलब अब जो पूरी कहानी आप लोगों को समझनी है वो देखो, ठीक है। क्या कहानी चल रही है ये हमारा, आप जब देखो पढ़ोगे ना कि ये रहे हमारा न्यूक्लियस, सॉरी सेल, और सेल में हमारे जो न्यूक्लियस है ना, रुको जी बिल्कुल स्टार्ट से कर देते हैं हम लोग। ये है हमारा सेल, फटाफट से देख लो बस उसके बाद, क्योंकि हर एक स्लाइड पे हमें सिर्फ 5 मिनट ही लगने हैं। ये है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा प्रेजेंट है क्या क्या प्रेजेंट है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। अभी इसको आप क्रोमोसोम नहीं कहोगे, इसको हम कहते हैं बच्चे जी जेनेटिक मटेरियल। किसी ने तो इतना बड़ा सा कमेंट लिखा है यार, इतना बड़ा बड़ा कमेंट मत लिखो, मुझे पीछे जाना पड़ता है देखने के लिए। मैम मैंने मे बी मैंने जल्दी ज्वाइन कर लिया होगा। नहीं वैष्णवी एक्चुअली आपने एक तो सही आंसर दिया उस वजह से, और दूसरा ये है कि दूसरी वैष्णवी भी है हमारी क्लास में। चलो जी ये है देखो, इसके अंदर का जो आपको दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन कलर का, आई गेस पूरी जो कलरफुल स्क्रीन है वो आपको में दिख रही होंगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चे जी, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहा जाता है बच्चा जी इसको, क्रोमैटिन, ठीक है। ये है हमारी न्यूक्लियर एनवेलप, यार कह लो न्यूक्लियस को, ठीक है न्यूक्लियर एनवेलप है। अब बाकी के सारे जितने भी हमारे ऑर्गेनल्स है ना, अगर आपको पता होना चाहिए कि हमारे सबसे पहले जो इससे अटैच रहता है ना, इसको हम क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा सा मेरा मोटा बन गया बट यूजुअली ऐसे पतले पतले से होते हैं, क्या होता है ना ये हमारा, ये एंडोप्लाज्मिक हमारा रेटिकुलम होता है, ठीक है। और इसके जस्ट पड़ोस में जो होती है चीज उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ऐसे करके जो दिखेगा आपको, इसको आप कहते हो गॉल्गी अपरेटस। मैं अभी दो ही बना रही हूँ वरना क्या होगा ना हमारा पूरा डायग्राम की ऐसे तैसे हो जाएगी, ठीक है। ये होते हैं हमारे गॉल्गी अपरेटस। और जो इससे भी प्यारी चीज दिखेगी ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ के ऊपर ना ऐसे करके ये पार्ट्स लगे होते हैं जिनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। क्या कहा जाता है इनको, राइबोसोम। अभी अगला चैप्टर जो होगा ना उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बट अभी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें ना मैं बस आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आराम से सेल में हमारा पड़ा रहता है। चलो जी ठीक है पड़ा रहता है, आगे कहानी क्या है, आगे कहानी हमारी ये होती है कि यहाँ पे अब हमारा न्यूक्लियस के अंदर होने लगा क्या, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं इस बच्चे इस प्रोसेस को, उसको बच्चे दी कंडेंसेशन। क्या होता है कंडेंसेशन, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ये हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो हमारे धागे नुमा स्ट्रक्चर के रूप में जो क्रोमोसोम पड़ा हुआ है ना, ये अब कैसे होने लगेगा, ये सिकुड़ने लगेगा। कैसे, ठीक है जी, कितनों को क्लियर हुआ। और अगर आप लोग इसका प्यारा वाला जो आप लोग को डायग्राम बनाते हो जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि क्रोमोसोम सिकुड़ने के बाद कैसे आपको इस तरीके से क्रोमोसोम, सो क्रोमोसोम नहीं सो सॉरी क्रोमेटिन, क्रोमेटिन हमारे जो हो जाते हैं वो कैसे दिखेंगे हमें, कुछ इस फॉर्म में दिखेंगे, ठीक है। और ये भी कैसे, चार जो क्रोमेटिन है ना क्रोमोसोम जो है वो पूरे हमारे इसमें आपको पहले दिखेंगे। मैं थोड़ा सा रफ वाला डायग्राम बना रही हूँ वरना हमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे ही चारों के चारों क्या होंगे, ऐसे आपके इसमें पड़े रहेंगे, ठीक है। फिर जब हमारी नेक्स्ट फेस आएगी ना, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोफेस, ये हमारा प्रोफेस में हमारा कुछ ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। और साथ में आपको पता हो याद होना चाहिए कि हमारा क्या, ये क्या है, ये माइटोटिक स्पिंडल, ये एक एंड पे ये पड़ा है यहाँ पे और दूसरे एंड में ये रहा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा ना बच्चा जी, यहाँ पे अब हमारे जो क्रोमोसोम्स है ना ये एक सेंटर में आने लगेंगे, क्या होता है जिसे कहते हैं हम अलाइन होने लगेंगे। अलाइन मतलब क्या, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको कि ये थोड़ा सा बीचो बीच में आने लगेंगे। ये रहा हमारा माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं ऐसे बीच में आएंगे, ठीक है।
ठीक है जी, ये हमारे क्या हुआ है, इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे आने लगे। ओ गलत बना दिया मैंने, ये हमारे बनेंगे। देखो आपको ये बात भी याद रखनी कि जिधर पे हमारा ये माइटोटिक स्पिंडल है ना, उधर से लाइन नहीं बनेगी, उसके ऑपोजिट में। कहाँ पे बनेगी? उसके ऑपोजिट में हमारी जो लाइन है वो बनेगी ऐसे। कुछ इस तरीके से हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे करके आपको देखेंगे। ठीक है जी, अब देखिए कहानी क्या हो जाएगी। और ये ना कुछ इस तरीके से अपने किस पे, काइनेटो फोर्स से इसको जोड़ के रखते हैं। काइनेटो फोर्स से, सेंट्रोसोम के पास नहीं है ये हमारे काइनेटो फोर्स से ऐसे करके इसको पकड़ के रखते हैं। कौन? माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल इसको ऐसे करके पकड़ के रखते हैं। ठीक है, देख लो कितना प्यारा सा डायग्राम्स बन रहे हैं। और फिर आगे क्या कहानी चल रही है हमारी? आगे कहानी हमारी ये चलेगी कि जो ये हमारे माइटोटिक स्पिंडल थे ना, अब मैं इसको पकड़ने वाला दोबारा से नहीं बना रही, ठीक है, तब होगा तो बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं बट कोई नहीं, ये क्या करेगा ना, इसको बीचों बीच से डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा? बिल्कुल आधा आधा काट देगा, ये बिल्कुल आधा आधा, एग्जैक्ट हाफ। तो कैसे दिखेंगे अब ये हमें? ये हमें दिखेंगे कुछ इस हिसाब के। मेरा आपको पता है कलर्स को करना, यूज करना अच्छा लगता है मुझे, बट आप अगर चाहो तो एक ही कलर से भी मतलब कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है सारे क्रोमोसोम्स हमारे एक ही कलर के ही होंगे। ये हमारे क्या हुए, ये सारे के सारे हमारे आधे आधे हो गए बीचों बीच से। ठीक है, और देखो पता है बच्चा जी क्या कहानी है, अगर अभी आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना कि हमारा जो ये माइटोटिक स्पिंडल की लेंथ है, आपको क्या लग रहा है ये ज्यादा होगी? अगर देखा जाए तो ये क्या होगी, सपोज कर लो कि 5 मीटर हम ले लेते हैं, ठीक है 5 मीटर की होगी। बट ये अब क्या है ना, ये हमारी इक्वेटोरियल प्लेट कहीं यहीं पे, यहाँ पे थी इस जगह पे, राइट। अब तो ये गायब हो गई है क्योंकि हमने क्या कर दिया, उधर से इसको काट दिया। इसको हम कहते हैं ना मेटाप्लाज्मिक मेटाफेस मेटाफ्लैस मेटाफेजिक करके प्लेट करके कुछ है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अब क्या होगा ना, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जो ये माइटोटिक स्पिंडल है ना वो भी हमारी छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्या हुआ ये हमारा, ये जो हमारी जो ये इसको हम ना एस्ट्रेट कहते हैं, ये हमारे जो है ये हमारे छोटे से हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए जी 1 मिनट रुक जाइए बस। अब हमारा क्या होने जा रही है कहानी, अभी हम लोग सारे के सारे उस पे आ रहे हैं जो आपके थ्योरी वाला पार्ट है। अब ये जैसे ही हमारे ये अलग हुए ना, फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा जो ये माइटोटिक स्पिंडल है ना वो इस आपके जो हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं इसको पकड़ के तुरंत से क्या कर लेगा, ऐसा करके खींच लेगा। खींचेगा तो ये पता है किस कैसे दिखते हैं हमें, जब हम यहाँ पे आएंगे ना, जिसको ये आपका आएगा प्रोफेज टीलोफेज पे, ठीक है, तो टीलोफेज पे ये पता है कैसे दिखेंगे, कुछ इस तरीके से, एक थोड़ा सा बड़ा, एक थोड़ा सा छोटा, एक थोड़ा सा बड़ा, एक थोड़ा सा छोटा, एक थोड़ा सा बड़ा, एक थोड़ा छोटा, ऑल्दो ये है सेम ही चीज। ठीक है, जब आप ऐसे देख सकते हो ये ना ऐसे दिख रहे हैं, ऑल्दो ये अगर है तो ऐसे ही ना, ठीक है, ये यही कहानी है, सेम हमारा इसके पास भी रहेगा। ठीक है, अब आई गेस अगर आप लोग में से कोई भी बता दो जिसको ये वाला डायग्राम जो है क्लियर नहीं हुआ है, प्लीज एक बार, बट मेरे हिसाब से मैंने बहुत मेहनत से बनाया है फिर से आप लोग के लिए डायग्राम, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है ना तो आगे की ट्रस्ट मी अगली 7 स्लाइड आपको बिल्कुल क्लियर है। आपको बस ये देखना है कि कौन से स्टेप में क्या होना है। पहले हमारा क्रोमोसोम ऐसे क्रोमेटिन फाइबर में पड़ा, क्रोमेटिन के फॉर्म में पड़ा हुआ था, फिर जैसे ही कॉन्डेंसेशन हुआ ये न्यूक्लियस इसने क्या कर दिया, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लिया। बस इतना सा पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ओके जी असगर जी, ठीक है, जो क्रोमेटिन था ये भी हमारा क्या है बेटा जी, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और ये भी हमारा जो है जेनेटिक मटेरियल ही है। ये कॉन्डेंसेशन करके क्या हो गया, क्रोमोसोम का इसने ऐसे करके धागे धागे है ना, धागे 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 ऐसे करके बने हुए, ये एक क्रोमोसोम का फॉर्म ले लिए। चारों में क्रोमोसोम पहले हमारे ऐसे पड़े हुए हैं, फिर ये हमारे क्या मेटाफेस में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं बेटा जी, अलाइन, अलाइन हो गए हैं। ठीक है, क्रोमोसोम हमारे एक लाइन में आ गए हैं, इसको हिंदी हिंदी में अगर कहो तो, और इंग्लिश में कहते हैं तो ये अलाइन हो गए। और फिर उसके बाद ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्रोमोसोम नेक्स्ट फेज में आके क्या हो जाएंगे, बीच से इक्वेटोरियल प्लेट पे आके, मेटाफेसिक प्लेट कहते हैं उसे, वहां पे आके डिवाइड हो जाएंगे। और फिर ये क्या कर जाएंगे, सेग्रीगेट कर जाएंगे हाफ हाफ में, और यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, आधा आधा करके यूं साइटोकाइनेसिस में ये ग्रुप बन जाएगा। ठीक है जी, अब फटाफट से पढ़ लो आगे क्या क्या चल रहा है। देखिए जी, एम फेज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जितनी चीजें मैंने आपको बताई है ना सारी चीजें वहां पे, यहाँ पे आपको एक एक करके आप रिजेंबल कर सकते हो। ठीक है जी, क्या है ये, फाइनल फेज है। ठीक है मैम, ये फाइनल फेज है। दूसरा है कि इसमें हमारी कैरियोकिनेसिस भी होती है और हमारी साइटोकिनेसिस भी होती है। ठीक है मैम, होती है हमें पता है। और ये शॉर्टेस्ट फेज है चारों फेसेस का। चारों फेज कौन से,
G1, S, G2, M, इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट है ये। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है बच्चा? सबसे बड़ा फेस कौन सा है? कौन बताने वाला है? फिर क्या होती है हमारी कहानी? फिर हमारी कहानी चल रही है, हाँ जी बिल्कुल सही वैष्णवी जी, ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट फेस है। चलिए जी, फिर क्या हो रहा है हमारा? अभी जो मैंने आपको बताया सेम के सेम, वहां पे देखो प्रोफेज वन जब हमारा है, ठीक है, प्रोफेज वन में हमारा क्या हो रहा है? न्यूक्लियर एनवेलप जो है टूट रही है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप हमारी टूट रही है, और ये रहा हमारा क्या? माइटोटिक स्पिंडल, जिसको मैंने क्या बताया था आपको, माइटोटिक स्पिंडल या स्पिंडल फाइबर कुछ भी बोल सकते हो, ये माइटोटिक स्पिंडल यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये माइटोटिक स्पिंडल आप देख रहे हो आप कहाँ पे, ये हमारा यहाँ से आया, यहाँ पे आया है, और ये अब कहाँ जा रहा है हमारा? ऑपोजिट एंड पे, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ पे, ऐसे कर लो, एक नॉर्थ पे है तो दूसरा कहाँ आ गया? साउथ। और इसी को हम कहते हैं सैक एक्टिव, ठीक है। यहाँ पे क्या है? अनअटैच नीटो फोर्स है, और दूसरे वाले में क्या है, जिसमें हमारे ये वाइट वाइट वाले दिख रहे हैं उसको हम कहते हैं अटैच, जिसमें हमारे नीटो फोर्स है उसको हम कहते हैं सैक इनएक्टिव अभी यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हमारे नीडोफोर अटैच है। फिर देखिए कहानी क्या है, फिर हमारी कहानी आ जाती है मेटाफेस की। मेटाफेस की कहानी क्या है? मैंने आपसे क्या कहा था कि जो ये हमारे क्रोमोसोम्स चारों तरफ फैले हुए दिख रहे हैं आपको, ये अब कहाँ पे आ जाएंगे? ये हमारे इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज अलाइन होने लगेंगे, ठीक है, बीचों बीच में आने लगेंगे। फिर क्या है, एनाफेस में ये क्या हो जाएंगे? आधे आधे, और फिर टीलोफेस में ये बिल्कुल ग्रुप लाइक करके अलग हो जाएंगे। अब जितनी भी कहानी है सारी की सारी हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है, क्या है ये हमारे सबसे 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 इंपॉर्टेंट वाला है। क्यों पीएचडी अच्छी नहीं बनी है क्या ज्यादा? चलो क्या है, प्रोफेज जो है हमारा एम फेज का सबसे पहला और लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। फिर है हमारा क्या, जब इसमें पांच इंपॉर्टेंट अच्छी बनी है तो थैंक यू, वरना फिलहाल मैंने नहीं बनाई है, ठीक है। इसमें हमारे पांच इवेंट प्रेजेंट है, पांच वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, और जो मैं आपको बता चुकी हूँ वही इवेंट है, बस आंख बंद करके सुनते जाओ ध्यान से, सो मत जाना बस। क्या है कि द ऑनसेट ऑफ क्रोमेटिड, ऑनसेट मतलब जब स्टार्टिंग होती है ना क्रोमेटिड की, क्रोमेटिड कॉइलिंग इनटू क्रोमोसोम, क्रोमेटिड कॉइलिंग कह लो या फिर क्रोमोसोम कह लो, कि हमारा सॉरी क्रोमेटिन कह लो, कि जो हमारा क्रोमेटिन था, याद है ना मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया आपको कि सबसे पहले हमारी क्या होगी? क्रोमेटिन में कॉइलिंग, ये रहा हमारा क्रोमेटिन था, इसमें कॉइलिंग या कंडेंसेशन कुछ भी कह लो, ये हमारी क्या होगी? इसमें कॉन्डेंसेशन हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहला स्टेप, ठीक है, पांच इंपॉर्टेंट इवेंट है इसके, पांचों आपके टिप्स पे होने चाहिए। चलो जी, दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा हो रहा है कि हमारे चार इंपॉर्टेंट पार्ट, और चारों इंपॉर्टेंट पार्ट के भी आपको नाम रटे होने चाहिए। सबसे पहले और शॉर्ट फॉर्म याद करिए, जीसी, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने इसीलिए आपके पास ये डायग्राम बनाया था, ये रहा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जिसे हम कहते हैं, और ये है हमारा जीसी जिसे हम गॉल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने आपके बनाए थे। और ये अंदर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस तो आपको पता ही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही पता ही है, ठीक है। और तीसरा पार्ट कौन सा है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस का न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ये बात हम शायद पहले भी कर चुके हैं, और जिसमें वो सारा का सारा जो मटेरियल है क्रोमेटिन वो पैक रहता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए, तीसरा पॉइंट क्या है? इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे सॉरी इस वाले स्लाइड पे, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये जो है स्पिंडल फॉर्मेशन का जो है शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है प्रोफेस में, ठीक है जी। चलो जी, अगला पार्ट क्या है हमारा, कि द सेल बिकम्स, सेल की जो शेप है वो कैसे होने लगी? स्फेरिकल होने लगी है, रिफ्रेक्ट द फुल ऑफ लिक्विड, ठीक है, विस्कोसिटी जिसमें थे। और फिफ्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा सेंट्रियोल है वो माइग्रेट करेगा ऑपोजिट पोल्स, ऑपोजिट साइड्स ऑफ न्यूक्लियस, ये रहा हमारा सेंट्रियोल, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि ये कहाँ मूव कर रहा है, ये यहाँ से एक तो बनना भी स्टार्ट हुआ, और साथ ही साथ जब तक नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेगा तब तक ये क्या हो जाएंगे, हमारे ऑपोजिट पोल्स पे एकदम आ भी जाएंगे, ठीक है। चलो जी, ये रहा हमारा प्रोफेज, अब आ जाता है हमारा मेटाफेज। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, क्योंकि छोटा सा है, क्योंकि आप जो थ्योरी है वो पार्ट समझ चुके हो पूरा का पूरा। क्या है इंडिविजुअल, आपको पता है इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स में, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड आउट इन न्यूक्लियस, जो हमारा क्रोमोसोम है वो पूरा का पूरा क्या सेल न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है। फिर क्या है, ड्यूरिंग मेटाफेज में हो क्या रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो डिसॉल्व हो गया है। अभी तक हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में वन में क्या हो रही थी, कि टूटना स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गई है, पूरी की पूरी गायब, ठीक है। साथ में क्या हो रहा है,
सेल्स क्रोमोसोम्स कंटेंट्स, ये हमारा लास्ट से चल रहा है, एंड मूव टुगेदर, एक साथ मूव भी कर रहे हैं. अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मेटाफेज में हो रहा है, दैट इज व्हाट अलाइनिंग इन द सेंटर ऑफ डिवाइडिंग सेल. एक जो है लाइन बनेगी, क्योंकि आपको पता है हमारे क्रोमोसोम कैसे आ गए, जैसे ये मेरा जो स्क्वायर बॉक्स है ये आपका क्या है एक सेल है, तो हमारा जो क्रोमोसोम है वो इधर 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 ऐसे पड़ा हुआ है, बट अब क्या हो जाएगा ये एक बीचों बीच की लाइन में आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, वही चीज हमने यहाँ लिख दी है और इसी को हम कहते हैं ये रहा हमारा मेटाफेसिक प्लेट. पता नहीं ये ना मेरे से वो कहते हैं ना टंग ट्विस्टर हो जाता है, मेरे से ये बोला नहीं जाता है मेटाफेसिक मेटाफ्लैसिक करके निकलता रहता है, बट इससे हम कहते हैं मेटाफेसिक प्लेन, या फिर आप इसे प्लेट भी कह सकते हो, मेटाफेसिक प्लेट. ठीक है, और मोस्टली जो मैं बोलती हूँ ना वर्ड, इसलिए मैं इक्वेटोरियल प्लेन कहती हूँ, ये क्या बीचों बीच में आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन. ठीक है जी, चलो जी, यहाँ पे आपको बाकी क्या दिख रहा है, वही चीज जो मैंने आपको दिखाई थी कि ये हमारा सेंट्रोमेयर है. ठीक है, सेंट्रोमेयर से हमारा क्या क्रोमोसोम जैसे करके अटैच्ड है, और जो इसके अड़ोसी पड़ोसी में है दैट इज व्हाट, इसको हम कहते हैं नीटोफोर्स. क्या कहा जाता है बच्चा जी इसे, नीटोफोर्स. ठीक है, चलो जी, और यहाँ पे अगर आप देखो जो मैंने बात आपको बताई थी कि ये रहा हमारा माइक्रोट्यूब्यूल, देख सकते हो आप यहाँ पे जो ये ब्लू ब्लू लाइंस दिख रही है आपको, माइक्रोट्यूब्यूल्स की ना एस्ट्रल रेस भी कहते हैं, ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है. यहाँ पे आप देखते हो कि माइक्रोट्यूब्यूल कितनी है, यहाँ पे अगर हम इसका एक डिस्टेंस लें तो आई गेस ये छोटा सा एक मान लेते हैं कि ये 5 मीटर की होंगी, 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर. ठीक है, बट अगर आप ये देखो तो यहाँ पे जब ये सेपरेट आउट हो गई तो क्या हो गया, एक बीच में कहीं से कहीं ना कहीं गैप आ गया, तो आपको नहीं लगता कि ये 4 मीटर रह गई यहाँ पे और 4 मीटर यहाँ पे, ये ऐसा है भी. ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ जाइए, आ जाइए जी एनाफेज पे. एनाफेज क्या है, इट इज द फेस ऑफ शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, सबसे छोटा ड्यूरेशन का जो फेस है वो यहाँ पे ये है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ जो आपके जो क्रोमेटिड्स बन गए थे ना वो ऑपोजिट पोल में जा रहे हैं, माइटोटिक स्पिंडल उनको पीछे से पकड़ के ऐसे पकड़ के खींच रहा है. ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स देयर पोल्स एंड स्पिंडल फाइबर्स जो है वो छोटे हो गए. ये आपको लास्ट वाला यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ये हमारा मेटाफेस का डायग्राम है. ठीक है जी, या फिर आप इस वाले को भी कह सकते हो मेटाफेस का है, ये हमारा आ जाता है एनाफेस की कहानी. चलिए जी, अब देखिए क्या है, वही चीज यहाँ पे लिख दी है कि क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट पोल में मूव करेंगे और जो स्पिंडल फाइबर है वो छोटे हो चुके हैं, दिख रहा है हमें. फिर क्या आता है, अब जो है ना टू सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट स्ट्रक्चर, जो हमारे दोनों के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है वो हमारे अलग अलग हो चुके हैं, एंड यही जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, आपको क्यों आपको आपको नहीं लगता कि ये जाके, जस्ट 1 सेकंड मैं आपको इस वाले डायग्राम में दिखाती हूँ कि जो ये हमारे अलग अलग हो गए, ये बीच से कहीं ना कहीं सेल से डिवाइड हो जाएंगे और ये अलग जाके एक पर्टिकुलर सेल का न्यूक्लियस बनाएंगे, एक ये बनाएगा एक ये बनाएगा. ठीक है, यही इसका फ्यूचर है, ये क्या है डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे हमारे नेक्स्ट सेल की. ठीक है, चलो जी अब आ जाओ जी टीलोफेस पे. टीलोफेस की कहानी क्या चल रही है, टू डिप्लॉयड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स गैदर्ड एट द ऑपोजिट पोल्स. हमारे आपने देख चुके हो कि जो दो डिफरेंट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे किस पे आ गए हैं, नेक्स्ट उस पे आ चुके हैं. ठीक है, हमारे जो ऑपोजिट पोल्स हैं, ये वाला पोल और एक ये वाला पोल, वहां पे आ चुके हैं. क्रोमोसोम जो है हमारा अनकॉइल होना स्टार्ट हो गया. देखो जी आप एक सिंपल सी बात समझ लो, बात वो ये है कि जितनी चीजें यहाँ पे हुई ना, पांच की पांचों इवेंट्स, ठीक है, जितने भी इवेंट्स हुए सबको याद है कि क्रोमोसोम की कॉइलिंग होना स्टार्ट हुई थी, ये हमारे जो ऑर्गेनेल्स थे वो गायब हो गए थे, इसका जो शेप था वो शेप अलग होने लगा था, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी, और जो सेंट्रियोल था वो हमारा सेंटर की तरफ माइग्रेट करने लगा था. सेम उल्टा होगा टीलोफेस में. पांचों पॉइंट अगर आपको प्रोफेस के याद है तो पांचों, मैम ये माइटोसिस है, अंशिका ऐसा क्वेश्चन पूछोगी, मैं इतने प्यार से समझा रही हूँ आपको. आपको अच्छा कहीं पे भी यहाँ पे बच्चे 1 लिखा हुआ दिख रहा है, बस एक जनरल सा पूछ रही हूँ अंशिका, जल्दी से बताओ बताओ, मैं पानी पी लूँ थोड़ा, मैं इतनी मेहनत से आधे घंटे से लगातार बोल रही हूँ और तुम लास्ट में आके पूछ रही हो मैम महाभारत में राम जी ने रावण को कौन से दिन मारा था. ये बिल्कुल पता है, बिल्कुल मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है. जब मैंने यहाँ पे कहीं पे 1 नहीं लिखा हुआ तो कौन सा होगा, ये माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, खुद से बताओ. अच्छा और अंशिका ही बताएगी और कोई नहीं बताएगा. अगर इसमें मैंने 1 कहीं पे भी नहीं लिखा है तो ये माइटोसिस होगा या मियोसिस. मैं तुम्हारा क्लियर ही जो कंफ्यूजन है जिंदगी भर के लिए क्लियर कर दूंगी, बस एक बार बताओ तो सही.
मानसी जी आपको नहीं कहा है मैंने यार, ऐसे बात मत करो। हाँ अंशिका, आप तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, कभी भी जिंदगी में आगे भी पढ़ना ना क्लास में, तो याद रखना कि हमेशा आपने पढ़ना है ना माइटोसिस से ही पढ़ना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि माइटोसिस में हमारे जो पी मैट है ना, हमारा प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, वो सिर्फ वंस ही है, ठीक है? और मियोसिस की जो कहानी आती है ना, उसमें हमारे ये दो बार आते हैं, आपको पता होना चाहिए, पी मैट वन एंड पी मैट टू, ठीक है? बस इतना सा समझ लो, बाकी आपको सबका सब लाइफ लॉन्ग क्लियर रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है जी? अंशिका जी आगे बढ़े। अरे ये ट्रिक मेरी दोस्त ने मुझे बताई थी, इसलिए मैं सबको बताती हूँ अब, कि 11th क्लास की बात है, सोचो दैट इज मतलब कि 2009 की बात है ये, सोचोगे तुम लोग कितने छोटे हो गए, आई गेस फर्स्ट क्लास में भी नहीं आए होगे तुम लोग, गुड अच्छी बात है, फर्स्ट क्लास में भी हो गए 2009 में, तुम लोग कौन से साल में कब पैदा हुए थे, तुम लोग कौन से ईयर में, बस ऐसे ही पूछ रही हो, अगर सारे के सारे 2000 के, क्योंकि 11th में हो, 3 या 4 के हो गए, 7 के 7 ओ लड़कियां मुझे पता है हमेशा अपना बर्थडे डे झूठ बताती हैं, मैं खुद झूठ बताती हूँ मैं सबको। ओके देखो पीयूष जी ने बताया, ही इज द ऑनेस्ट वन। ओके ओके चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिया आपके बात, ठीक है चलो जी। सोचो तुम लोग क्या बोलते हैं कितने छोटे हो गए यार, अगर कोई बच्चा 2006 में भी हुआ था तो मैं 2009 में ना अपना 11th कर रही थी, सोचो कितने छोटे हो मुझसे यार। हाँ घर पे होगे, प्रियंसी वेंसी का भी मुंह नहीं देखा होगा तब तो तुमने चलो कोई बात नहीं, चलो टीलो फेस में क्या है जो मैंने आपको क्या बताया, ओके तेरा जी, ठीक है क्या है, जितना मैंने आपको क्या बताया प्रोफेस वन में जितना भी हमारा हुआ था उसका सेम उल्टा काम हमारा टीलोफेस में होगा, ठीक है? यहाँ पे क्या चल रहा है, अब सीधे सीधे वही पढ़ते जाओ, टू डिप्लॉइड सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स हमारे बन चुके हैं और दोनों के दोनों क्या ऑपोजिट पोल्स में आ भी चुके हैं, फिर क्या है क्रोमोजोम स्टार्ट टू अनकॉइल, मतलब क्या पहले वाले में हमारे क्या हुआ था ऐसे करके कॉइलिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है? और ऐसे करके ये कुछ कुछ ऐसे 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 करके क्या हमारा जो टिपिकल क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर था वो हमारा बन जाता था, किससे बनता था कॉइलिंग से, बट अब क्या हो जाएगा ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वापस ऐसे बनने लगेगा और फिर ये धीरे धीरे से क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा कुचड़ कुचड़ वाला, ठीक है जी? तो ये क्या हो गया क्रोमोसोम हमारा अनकॉइल होना स्टार्ट हो गया, प्रोफेस में कॉइल हो रहा था यहाँ पे अनकॉइल और ये फिर से हमारा क्या बन गया क्रोमैटिन, ठीक है? चलो जी न्यूक्लियोलस कंडेंस एंड रीअपीयर, न्यूक्लियोलस जो क्या है उसमें भी कंडेंसेशन आने लगी और वो भी वापस आने लगा, वायरस में क्या था न्यूक्लियोलस गायब हो रहा था, फिर स्पिंडल फाइबर जो बन गया था, स्पिंडल फाइबर याद है ना जो ये हमारे बने थे स्टार्टिंग में, हमारे कहाँ बने थे ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और फिर ये कहाँ हमारे इधर पे मूव करने लगे थे, ठीक है? तो ये स्पिंडल फाइबर्स भी जो है वो हमारे गायब होने लगे, फिर क्या है न्यूक्लियर एनवलप इज असेंबल्ड अराउंड द क्रोमेटिन मास, जो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। देखो आपको अगर मुझे नहीं पता आप में से कितने को याद है कि हम लोगों ने चार इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में पढ़ा था कि ये चार ऑर्गन जो है हमारे गायब हो जाएंगे, कौन कौन से ऑर्गन थे बताओ बताओ बताओ, बताओ फटाफट से, 15-20 मिनट की क्लास बची है फटाफट से खत्म करते हैं बहुत अच्छे से, कौन कौन से ऑर्गन थे? बिल्कुल सही बिल्कुल सही, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही वैष्णवी पीयूष, नेक्स्ट 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 नीतू जी, राइबोसोम कहाँ से आ गया बच्चा, वो तो चलो ठीक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे हुए थे बट राइबोसोम को अलग से नहीं बोलोगे, आगे से नहीं आगे से याद रखना नहीं बोलोगे, न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल सही पीयूष बाकी एक और रह गया, बिल्कुल सही अंशिका न्यूक्लियोलस, थैंक यू बच्चा, लोग होश में हो, मुझे तो लगा सो रहे हो गया था जरा, ठीक है? ये चारों हमारे जो गायब हुए थे अब ये चारों वापस आने लगे, और एक अगर आपको याद हो तो ये तो चलो हमारे गायब हुए की लिस्ट थी, ठीक है? जो अब यहाँ पे क्या होगी आने लगेगी, ये हमारी प्रोफेस में गायब हो रहे थे, ठीक है? और एक चीज जो थी जिसकी फॉर्मेशन हो रहा था, फॉर्मेशन किसका हुआ था प्रोफेस में, फॉर्मेशन कौन से ऑर्गेनेल का हुआ था, सच में नहीं याद आ रहा, थैंक यू वैष्णवी जी तुम ही हमारी क्लास की जिंदगी बचा रही हो आज स्पिंडल फाइबर बिल्कुल सही, ठीक है चलो जी वही सारी चीजें, अब तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें ये वाली चीजें हमारी क्या हो जाएंगी,
इस वाले में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ध्यान से सोचोगे, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे, वापस आने लगेंगे, राइट, और ये हमारा गायब हो जाएगा, है ना। मैंने आपसे यही तो कहा था कि बिल्कुल उल्टा होगा, उसमें वही चीज यहाँ पे लिख दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी वापस से आने लगा एंड वो लास्ट में जाके क्या, दो डॉटर न्यूक्लियाई भी बना देगा। चलो जी, और जो आपको ज्यादा दिक्कत हो रही हो इतने सारे लैंग्वेज देखने में, तो आप ये लिखो, न्यू न्यूक्लियर एनवेलप बनेगी, क्यों, क्योंकि दो बनेंगी अब हमारे पास, क्रोमोजोम का जो अनफोल्ड है वो वापस से क्रोमेटिन में बन जाएगा, ठीक है जी। न्यूक्लियाई हमारा क्या हो जाएगा, रीअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियाई कह लो या न्यूक्लियरस कह लो, वो हमारा वापस आने लगेगा, और जो हमारा सेल है वो इलोंगेट हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, सॉरी जी। चलो जी, अब आ जाती है हमारी क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस, क्यों, क्योंकि हमारा पी मैट हो गया कंप्लीट, ठीक है, मतलब क्या, मतलब हमारा कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, न्यूक्लियस का जो था डिवीजन वो हमारा हो गया, क्योंकि देख लो हमारे यहाँ पे दो न्यूक्लियस जो है बन गए, ठीक है। अब क्या बनेगा, अब जो बनेगा ना बच्चे जी, एक इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्रिएटिंग क्लीवेज फ्यूरो, जो हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स आ जाएंगे हमारे इसमें, जो हमारा सेल होगा उसमें क्या जाएंगी, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स, याद रखेंगे ये वर्ड क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ आ जाएंगी हमारी, ये हमारी अपीयर करती है सेल पे, सेल में हमारी आ जाती है, ठीक है। और ये सेल में आने के बाद क्या करेंगी, फ्यूरो, फ्यूरो मतलब क्या होगा ना, गड्ढा, या इसको हम फ्यूरो को ग्रूव भी कहते हैं, फ्यूरो कह लो या ग्रूव कह लो, या फिर बहुत सारी बुक्स में इसको रिज भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करेंगी, एक गड्ढा नुमा, देख रहे हो यहाँ पे हमारा जो सेल था, अगर आपको याद हो तो पी मैट में हल्का जब टेलो फेस था, कहाँ गए भाई, लोगों ने एक डायग्राम देखा था ना, बोला ये रहा, ठीक है, ये देख रहे हो, मतलब इसमें अभी आपको बहुत ज्यादा ग्रूविंग नहीं दिख रही है, मतलब जो यहाँ पे है बहुत ज्यादा गड्ढा वाला पार्ट है वो नहीं दिख रहा है, मतलब एक थोड़ा सा इनिशिएशन लग रहा है कि हाँ यहाँ से कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। बट जब जैसे ही आप साइटोकाइनेसिस में प्रॉपर एंटर कर जाते हो ना, तो क्या आ जाता है आपका, ये एक प्रॉपर ही गड्ढा आ जाता है, किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की वजह से, ठीक है जी। वही चीज यहाँ पे है कि साइटोकाइनेसिस इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेल का डिवीजन, यहाँ पे हमारा ट्रू सेल डिवीजन दिखेगा, अभी तक हमें क्या दिख रहा था, न्यूक्लियस का दिख रहा था, विच डिवाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंटल सेल इनटू दो डॉटर सेल, एक हमारे पेरेंटल सेल के साइटोप्लाज्म को हम दो डॉटर सेल्स में बराबर बराबर बांट देते हैं, ठीक है। इट अकर्स कंकरेंटली इन विद इन टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, और आपको पता होना चाहिए कि दोनों न्यूक्लियर डिवीजन, चाहे माइटोसिस चाहे मियोसिस, दोनों हो, उनमें ये हमारी प्रेजेंट होती है, ठीक है। वही चीजें हमें लिखी है कि साइटोकाइनेसिस इज द, तो रेड कलर के अलावा कुछ दिखेगा नहीं, साइटोकाइनेसिस इज द प्रोसेस आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमोजोम, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर क्रोमोजोम क्या जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा, ड्यूरिंग दिस क्रोमोजोम द साइटोप्लाज्म एंड द सेल मेम्ब्रेन स्प्लिट रिजल्टिंग इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, क्या हो जाएगा, हमारे जो साइटोप्लाज्म है और जो हमारा सेल है वो सेल का मेम्ब्रेन है वो टू डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा प्लांट्स का है, जिसमें आपका क्या वेसिकल्स जो है वो एक सेल में, यहाँ देख रहे हो थोड़ी सी, अगर तो थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ, ठीक है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे तो ये क्या है हमारा एक सेल की प्लेट की तरह, देखो अच्छा खासा ये हमारा वेसिकल के फॉर्म में ऐसे पड़ा हुआ था, बट अब अगर आप नेक्स्ट स्टेज पे देखोगे तो क्या हो रहा है, बीच में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा डिवीजन आ रहा है, ठीक है। बट अब जब वेसिकल्स को आप आगे जाके देख रहे हो तो ये क्या एक प्रॉपर आपको प्रॉपर दिख रहे हैं, ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड वाले दिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या ये प्रॉपर जो हो गई हमारी अलग अलग हो गई। बट हमारा जो ये एनिमल्स में होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि क्लीवेज हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चा जी, क्लीवेज हो जाता है, ठीक है, जो हमारा ये है वो प्रॉपर बीच से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, टू सेल्स विद इन विच ओन सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या हो जाती है, इसको हम कहते हैं एनिमल सेल की क्या, साइटोकाइनेसिस, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब आ जाइए जी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जिसको हम कह रहे हैं चेक पॉइंट्स, जो मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में भी इसका थोड़ा सा एक जिक्र किया था कि ये जो है ना बच्चा जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें हमें पार्ट है जिसमें के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैम हमारे पास तो कितने, तीन ही चेक पॉइंट दिख रहे हैं, एक और चेक पॉइंट क्यों नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, अभी पता चलेगा। और हो सकता है तो आप ही लोग मुझे बताओ कि आपको यहाँ पे जी1 का चेक पॉइंट दिख रहा है, एस का चेक पॉइंट दिख रहा है, एम का चेक पॉइंट दिख रहा है, जी2 का चेक पॉइंट क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों क्यों क्यों, तब तक मैं आपको समझाती हूँ, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। पहला है हमारा चेक पॉइंट कौन सा, जिसको हम कहते हैं जीवन का, जो कि हमारा किसका, सेल ग्रोथ चेक पॉइंट, इसका प्रॉपर नाम क्या है, सेल ग्रोथ चेक पॉइंट। ये हमारा कहाँ प्रेजेंट है, जैसा नाम वैसा काम, ये सेल ग्रोथ कहाँ पे होती है, हमें सबको पता है कि यहाँ पे हमारा माइटोसिस के बाद हमारा दो सेल बन जाता है,
तो हमारे सेल में क्या आएगी, क्योंकि ये न्यूली मेड सेल्स हैं, तो इनमें हमारे क्या ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए हम इसको ग्रोथ फेज भी कहते हैं अगर आपको पता हो। तो यहाँ पे हमारी ग्रोथ फेज हो गई। चेक्स वेदर द सेल इज, क्योंकि अब आपको क्या है नेक्स्ट फेज में जाना है, सिंथेसिस फेज में जाना है। तो सिंथेसिस फेज में जाने के लिए आपका क्या, आपका जो न्यूक्लियस है, देखो सिंथेसिस फेज में हमें पता है कि किसका सिंथेसिस हो रहा है, क्रोमोसोम का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। क्या बात है वैष्णवी जी। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जी टू फेस में तो खुद से ही क्रोमोसोम अपने आप ही चेक करते हैं कि उनके पास सब कुछ डबल है या नहीं है। बिल्कुल सही, देखो मानजी वो पॉइंट मैंने बोला, मानसी जी ने तुरंत से वो वाला पॉइंट चिपका भी दिया, मतलब पहले से चिपकाया होगा, मतलब लिखा होगा उन्होंने, बट उन्होंने बिल्कुल सही वही पॉइंट बोला जो मैं बोलना चाहती थी, क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिज तो ऑलरेडी डबल है, ठीक है, क्योंकि सेल के पास अपने आप ही वो चेक कर रहे हैं कि मैं रेडी हूँ एम फेज में जाने के लिए या नहीं। क्योंकि वो आपका क्या है, मैंने आपको कैसे बताया था कि हमारा, जैसे मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था किस हिसाब से, हाँ क्या, ये मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका 10th का एग्जाम हुआ तो आपने 11th में क्या लिया, बायो ली, 11th में आप बायो में पढ़ रहे हो अपने स्कूल में भी, ये अवंती में भी, ठीक है। और जी टू जो फेस है वो हमारा क्या है, रिविजन बॉक्स है। क्यों, क्योंकि एम फेस में हमें को क्या देना है, पेपर देना है, ऐसे ही बताया था मैंने आपको। तो रिविजन में तो आप ऑलरेडी चेक करते हो कि आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, राइट। चलो जी आगे बढ़ जाओ, आगे हमारी कहानी आ जाती है, जस्ट वन सेकेंड, कहाँ थे हम, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था यहाँ, ठीक है। ये हमारा ग्रोथ फेज में होता है, मैंने आपको पहले बताया था, ये जब नेक्स्ट फेज में एंटर करने वाले होते हैं वहीं पे इनके चेक पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। ये देखता है कि हमारा जो सेल है वो, पहले तो आपको पता है छोटा सा ही होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनका साइज क्या हो जाता है, बड़ा होना चाहिए। तो ये चेक करते हैं कि सेल का साइज बड़ा है या नहीं है, और साथ ही साथ जो उनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो हैं या नहीं। क्यों, क्योंकि अब हमारी क्या होनी है, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, वो बल्कि जी टू फेस में होगी, जाके आगे जाके होती है, बट सिंथेसिस हमारा होता है। और फिर क्या है, इफ नॉट, अगर सही नहीं है तो ये चला जाएगा हमारा रेस्टिंग पीरियड में, और तब तक ये डिवाइड नहीं करेगा जब तक के लिए रेडी नहीं हो डिविजन के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा डीएनए सिंथेसिस चेक पॉइंट, उसका भी वही नाम कि डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, तो ये हमारा कब होगा, सिंथेसिस फेस, या जिसको कह लो एस फेस में होगा। ये चेक करता है कि जो हमारा डीएनए है वो कंप्लीटली एंड करेक्टली, साथ में आप ये पॉइंट भी लिखो कि ये कंप्लीटली और करेक्टली रेप्लीकेट हुए हैं या नहीं। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था वो क्या था, कि दैट इट शुड क्या है, रेप्लीकेट जस्ट वंस, याद है, या ये वाला पॉइंट हमने किया था, रेप्लीकेट जस्ट वंस एंड ओनली वंस, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ जाओ, फिर आ जाता है हमारा माइटोसिस चेक पॉइंट। माइटोसिस चेक पॉइंट में कहानी क्या है, अकर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस फेज, ये कब होती है, माइटोसिस फेज में होगी। अब ये क्या चेक करता है कि ये देखता है कि हमारा माइटोसिस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, एंड अगर ऐसा होता है तो ठीक, वरना जो हमारी सेल्स, मतलब तो फिर क्या, उसको फिर से जी टू में डाल देंगे, वरना जो हमारी सेल साइकिल है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। चलो जी अब आ जाओ हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है। क्यों, क्योंकि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, ये चाहिए होती है हमारी बॉडी को, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को मेंटेनेंस के लिए, उनकी बॉडी के सेल को कंटिन्यू ग्रोथ रखने के लिए। फिर क्या है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ डीएनए, ऑब्वियस है, जब सेल का डिवीजन और ये साइटोकिनेसिस और कैरियोकिनेसिस हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सेल का है उसका भी ये मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है, कि कितना है, कितना अमाउंट है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, वो सब। फिर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि माइटोटिक डिवीजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये किस लिए जरूरी होते हैं, ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी, क्योंकि आपको बहुत टाइम पे पता है होना चाहिए कि जो हमारा माइटोसिस है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में कैसे फंक्शन की तरह भी हम यूज करते हैं इसे, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल कुछ कुछ हमारे सेल्स होते हैं। वैष्णवी जी इस क्वेश्चन पे भी आप आओगे, आपको ना खुद से इसका आंसर पता चल जाएगा, जैसे ही हम ना मोमेंट इस वाले, देखो नेक्स्ट स्लाइड ही है, जो तुमने क्वेश्चन पूछा ना वो नेक्स्ट स्लाइड ही है, बस थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ठीक है, कि ये होमोलोगस है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको अभी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा टाइम दो। चलो जी फिर क्या है, दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट काम है वो क्या, कि ओल्ड डिकेइंग एंड डेड सेल्स, जो हमारे पुराने और जो मरे हुए सेल्स हैं उनको भी बॉडी से रेगुलरली रिप्लेस करना, ठीक है। तो रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, कैसे याद करोगे इसको, आप लिखोगे रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट भी होते हैं हमारा माइटोसिस में। फिर आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा नहीं पता है, बट मैं एक छोटा सा एक आपको आइडिया दे दूंगी कि ये एक्चुअली में क्या है, द क्लीवेज ऑफ एग एंड डिवीजन ऑफ ब्लास्टुला ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस आर माइटोटिक डिवीजन। अब आपको ये बड़े बड़े वर्ड्स अब तो समझ में आ नहीं होंगे, एक जनरल सा सब समझ लो आप, आपको पता है कि हमारा जो एग है
ठीक है, फीमेल्स का जो एग है प्लस जो हमारा स्पर्म होता है वो जब फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है हमारा, जाइगोट। जाइगोट का हैप्लॉइडी लेवल 2n, ठीक है। आपको पता है जाइगोट कितना सेल, सिंगल सेल, बट जब इसमें डिविजन होता है ना तो इसमें एक दो तीन नहीं, कितना सेल डिविजन होता है, 16 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं ये क्लीवेज जिसे हम कहते हैं। तो कितने सेल में होता है बच्चा जी ये हमारे, अभी आप बताइए, मेरे को नहीं पता कितने अभी बन रहे हैं मेरे से, बट ये टोटल ना 16 बनते हैं, ठीक है। कुछ एक सेल हमारा 16 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर क्या होती है कहानी हमारी, फिर जो ये 16 सेल है ना उसमें से भी एक हमारा जो सेल है ना वही हमारा काम का सेल बनेगा, ठीक है, जो कि सारे के सारे काम करेगा। बाकी सेल हमें हमारे क्या बन जाते हैं, 15 सेल्स जो बने हमारे वो बन जाते हैं हमारे नर्सिंग सेल्स, ठीक है। ये आप चीजें पढ़ोगे बट अभी नहीं, 12th क्लास में। बस थोड़ा सा आपको मेरे को एक आइडिया देना था इसका कि ये डिवीजन ऑफ ब्लास्टुला वगैरह क्या होता है, इन्हीं सब एक पर्टिकुलर को ही हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है, जो ये एक सेल है ना एक पार्ट का ना 16 बनते हैं, तो इस एक को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। तो कितने ब्लास्टोमियर है टोटल यहाँ पे, 16। तो ये कुछ इस तरीके से ना एम्ब्रियो का, जो ये एम्ब्रियो है हमारा, आपको पता होना चाहिए कि एक छोटा सा सेल से पूरा का पूरा बेबी बन जाता है मॉम्स की वॉम में। तो वो कैसे बनता है, क्योंकि हमारा जो पूरा बॉडी है ना वो अलग अलग पार्ट्स जो ब्लास्टोमियर्स में डिवाइड हो जाता है, और हर एक का क्या है, एक इंडिविजुअल फंक्शन होता है कि ये वाला जो पर्टिकुलर है ये ऑर्गन बनाएगा, ये ऑर्गन बनाएगा, ये ऑर्गन बनाएगा, ठीक है जी। अब आ जाइए जी, जो अभी थोड़ी देर पहले वैष्णवी जी ने क्वेश्चन पूछा, बट उससे पहले मैं आपसे पूछूंगी दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आप ये बताइए कि ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है, ठीक है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 22 क्रोमोसोम्स एंड वन पेयर क्रोमोसोम, ठीक है, ये कौन से क्रोमोसोम्स हैं, इनको क्या कहते हैं, फटाफट से बताइए। तब तक मैं आपको समझाती हूँ कि मियोसिस में क्या चल रहा है। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन, देखो यही से हमारा डिवीजन आपको जो है इंपॉर्टेंट चीजें, अभी किसने किसने तो पूछा था माइटोसिस और मियोसिस वाली कहानी। हाँ जी, वन पेयर तो सेक्स क्रोमोसोम है, बाकी दूसरे का क्या नाम है, क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन सेक्सुअली, नहीं वैष्णवी, इन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं एक सेक्स क्रोमोसोम। अब देखो मियोसिस जो है ना, इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म दैट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट्स, जो किसको रिड्यूस कर देता है, जो हमारा क्रोमोसोम का नंबर होता है ना गैमेट्स में उसका नंबर, क्यों, क्योंकि ये क्या कर देता है, एग्जैक्ट हाफ कर देता है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमको कहां से एक जो है हमारा मेल पेरेंट से मिलता है क्रोमोसोम, को पता होना चाहिए कि जो हमने सेक्स क्रोमोसोम की बात की, एक्स एक्स और एक्स वाई, ये हमारा फीमेल में है, ये हमारा मेल में है, जब हमारा जो ये हमारा जायगोट वायगोट बनता है तो आपको पता होना चाहिए एक हमारा मेल से आ रहा है एक हमारा फीमेल से आ रहा है, और ये फिर से हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनको क्या कर देते हैं, मतलब अभी मैंने सिर्फ ये जनरल बनाए हैं बट ये भी सब क्या डबल डबल करके होते हैं, ये हमारे क्या बन गए क्रोमोसोम, एक हमको यहाँ से कहाँ से मिल रहा है, मेल से, एक मिल रहा है हमें फीमेल से, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल सही, डिप्लॉयड बन जाता है। शिवा जी, इन ह्यूमंस, ह्यूमंस की कहानी क्या चल रही है, ह्यूमन बॉडी में क्या हो रहा है, सेल्स आर डिप्लॉयड कंटेनिंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, कितने होते हैं, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसे हम क्या कहते हैं, 23 पेयर्स हैं हमारे पास, कितने क्रोमोसोम्स नंबर है, 46, ठीक है जी। चलो जी आगे कहानी क्या है, मियोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 9 स्टेज, कोई नाम ले बताना चाहेगा मुझे क्या कि कौन सी 9 स्टेज होती है, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं मियोसिस, माइटोसिस हो गई हमारी खत्म, कहाँ गए क्लास के धुरंधर बच्चे, वैष्णवी सो गए क्या, वैष्णवी शिबानास कहाँ गए भाई, क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें 9 स्टेजेस होती है, मियोसिस में 9 स्टेजेस होती हैं। पीयूष जी भी लास्ट क्लास में थे क्या आप, बिल्कुल सही कहा पीयूष जी ने, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं आप नहीं थे तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। हाँ जी चलो जी मैं ही बता देती हूँ, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ये मियोसिस है, आपको ये भी देखो आपको मियोसिस का ये तो फॉर्मेट पता ही है कि पी मैट 1 एंड पी मैट 2, ठीक है, ये आपको पता है कि दो पार्ट्स में हमारे होते हैं,
बट जो पहला वाला होता है ना बच्चे, उसमें प्रो फेस को हम लोग कितने पार्ट्स में, पांच पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैची टीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हो शिवा जी, ठीक है। ये पार्ट्स आपको नेक्स्ट क्लास में याद होने चाहिए, बिकॉज यहीं पे हमारी क्लास आज एंड होती है। बस आप मुझे एक क्वेश्चन का एग्जाम जो है आंसर देते जाइए जाते जाते, बिकॉज अभी हमें 5 मिनट क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, आप लोग पेपर नहीं देते होंगे सारे बच्चे। पहले मुझे ये बताओ कि अभी किसी ने थोड़ी देर पहले मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मैम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो जो हमारे होते हैं ना, जो क्रोमोसोम हमारे बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है, चाहे ये हो, ठीक है, चाहे हमारा ये हो, ये हमारे क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे क्रोमोसोम्स कैसे बने हुए हैं, हमारे क्रोमोसोम्स बने हुए हैं कुछ इस हिसाब से, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, कोई बताना चाहेगा मुझे, इन वाले पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, नहीं पीयूष जी अभी तो आपने तो पढ़ा था, नहीं, हिट्रोलोगस यहाँ नहीं होता बच्चा। हिट्रोलोगस का वैष्णवी मतलब समझ रही हो आप क्या होता, हिट्रोलोगस का मतलब होता हमारा ये कि एक क्रोमेटिड ही पूरा अलग है, एक अलग है, ये होता हमारा हिट्रोलोगस। इसमें सिर्फ एक पार्ट अलग है, एक पार्ट अगर आप देख पा रहे हो तो। पीयूष कहाँ गए आप, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। यहां पे लेके आई शेबा जी क्रॉसिंग ओवर, जिसका रिजल्ट होता है हमारा रिकॉम्बिनेशन, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट इस वाले पार्ट में, इसको हम अभी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बिकॉज अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है ना, दैट इज ऑल अबाउट मियोसिस। यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रोफेस वन में, एंड कुछ इसको भी मैं अपना एक डायग्राम लेके आऊंगी अच्छा सा, और फिर मैं उसी से आपको समझाऊंगी, तो एक बार में आपको जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बस हम लोग लास्ट में मियोसिस मतलब 10-12 चैप्टर उसका चैप्टर है। बट 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 अभी कोई भी बच्चा जा नहीं रहा है, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग पहले पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आपको बायोमोलिक्यूल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व भी करने हैं। ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आज, सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस मुझे ये देखना है, क्योंकि ना हम लोग को ये ड्यूटी दी गई है कि आप लोग, हम लोग को क्लास में भी पता करना है कि कौन कौन से बच्चे हैं जो क्लास में हमारे थोड़े से इंटेलिजेंट ज्यादा है, ठीक है जी। चलो जी फटाफट से पहला क्वेश्चन बताइए जी, क्या आंसर है इसका। बस 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 भी नहीं, 8 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सो जाओ। बस जल्दी से बताओ एंजाइम्स के बारे में कौन सी बात इन्होंने गलत बोली है भाई, बताइए। सो गए क्या सारे, मानसी छाया ऐसे बोलोगी आप, मैंने पूछा शिवा क्लियर है बच्चा पूरा का पूरा। देखो मैंने इसलिए इसको जूम कर दिया है इतना, लो और जूम कर दिया। हाँ जी कहाँ हो भाई मानसी छाया, कौन सी क्लास में पढ़ रही थी भाई, जब मैं पढ़ाई सो रही थी क्या। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपको मानसी, आपको ये वाला पॉइंट नहीं आता, मैंने आपको उस टाइम पे क्लास में बताया था कि ये देखो चलो बच्चा जी हमारा ये एंजाइम है, ठीक है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा क्या था एंजाइम था, ये हमारा सबस्ट्रेट था, राइट। सबस्ट्रेट में हमारा कौन सी वाली बात थी कि हमारा जो ये, मैंने आपको कैसे पॉइंट एक्सप्लेन किया था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, जैसे पूरी क्लास को अगर याद है तो, कि ये हमारे सबस्ट्रेट है, ये हमारे सबस्ट्रेट है, इनमें से हमारा कौन सा वाला है जो इस सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। तो आप सब लोगों ने उस टाइम पे आंसर दिया था कि मैम एक्टिव साइट पे, ये हमारी एक्टिव साइट है, राइट, एक्टिव साइट पे हमारा ये वाला बाइंड करेगा, जैसे हम कह लो ए। क्यों, क्योंकि यही हमारा जितना एंजाइम सब्सट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो किस बेसिस पे बनता है, वो बनता है हमारा लॉक एंड की बेसिस पे, ठीक है बच्चा जी। तो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं कि इसका सब्सट्रेट कौन होगा वो यही डिसाइड करेगा, ठीक है। चलो जी दूसरा हमारा आ जाता है बायो मॉलिक्यूल्स वाला, और ये वाला अगर तुम लोगों ने गलत बताया ना तो बता रही हूं मैं, चलो बताओ जी फटाफट से। दिस बायो मॉलिक्यूल हैज अ फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी देती हूँ कि मैंने आपको उस टाइम पे पढ़ाया था कि हमारे जो नया नाम बोलूंगी तो मेरे को आपको बता दोगे मुझे,
मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि ईस्टर बॉन्ड। हाँ जी अंशिका जी, चलो शुक्र है तुम लोग की क्लास एटलीस्ट सही सही आंसर दे रही है। अभी लास्ट वाली क्लास में एक बच्चे ने आंसर दिया ना मुझे पॉलीफेगर वाला, मैंने कहा भाई मेरे को अटैक पड़ जाएगा। मैंने आपको तब ऐसे बताया था कि हमारे पास क्या एक ईस्टर बॉन्ड होता है यूजली, राइट। जो हम अगर थोड़ी सी कहानी आपको याद हो, जिनको नहीं याद है मैं उनको याद दिला रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे क्या है शर्माते हैं, बट बेटा जी आपको नहीं आता तो आप पूछ लो, उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। मैंने आपको ऐसे बताया था कि कोई नाइट्रोजनस बेस है हमारा, थाइमिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, राइट। वो हमारा क्या शुगर से अटैच होता है, राइट। फिर हमारा जो शुगर है ये हमारी फॉस्फेट से अटैच होती है, किस बॉन्ड से, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि ये थर्ड कार्बन से हमारी फॉस्फेट से अटैच होती है, और ये इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कह रहे थे ईस्टर बॉन्ड, राइट। इसको हम कह रहे थे ईस्टर बॉन्ड। और साथ ही में आपको पता है कि ये क्या है, एक चेन की तरह चलते हैं, तो ये नीचे साइड से भी एक शुगर से अटैच्ड है, बट यहाँ जो शुगर से अटैच्ड है वो हमारी फिफ्थ कार्बन से। आपको ये सारी चीजें भी डिटेल्स में पता होनी चाहिए क्योंकि आप पढ़ चुके हो। और ये भी हमारा किससे अटैच है, ईस्टर बॉन्ड से अटैच है। जब ये दो दो ईस्टर बॉन्ड से अटैच होती है तब इन्हें हम क्या कहते हैं, फॉस्फो डाई ईस्टर। याद आई ये कहानी, फटाफट से एक बार यस और नो बोल दो। चलो जी याद आई तो जल्दी 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 बोलो, ये हमारे न्यूक्लियोटाइड वाली कहानी थी, है ना। चलो जी फिर आ जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि हमने हर एक के बारे में डिस्कस किया है। एक दो क्वेश्चन तो मुझे पता है कि हम लोगों ने जानबूझ के डाले थे, क्वेश्चन पेपर पूरा सेट ही किया हुआ था, खुद का ही सेट किया था, तो मुझे पता है कि थोड़े बहुत क्वेश्चन तो हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स डालते हैं कि बच्चे और अलग खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या नहीं। बताइए जी, दिस फ्रॉम द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द थ्री डायमेंशनल, लीस्ट लाइकली टू बी, बताइए जी कौन सा होगा। बस चार पांच क्वेश्चन और। ईस्टर बॉन्ड का तो बच्चा यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है, प्रोटीन और ईस्टर बॉन्ड का कौन सा लेना देना आता है भाई, मुझे पहले तो यही समझाओ। हाँ अंशिका आपका सी वाले में कंफ्यूज होना जायज है, ठीक है, इस ये दिया भी इसलिए था, बट जो करेक्ट आंसर है वो सी भी नहीं है। और हाइड्रोफोबिक का तो कोई दूर 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 से ही कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे क्या लिपिड वाले में आते हैं, जब हम लोग क्या वो मेम्ब्रेन बना रहे होते हैं, राइट, सेल मेम्ब्रेन वगैरह, प्रिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है तब कर रहे होते हैं। हाँ अब तो मैंने सारे आंसर जब कैंसिल कर दिए तो आंसर दे ही दोगे इतनी स्पीड में, स्मार्ट स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही आंसर यही है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। चलो जी बट दिस इज नॉट डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द किटिनियस एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, कौन सा आंसर होगा। इसका तो आंसर तुमको ऐसे ही याद होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में पहुंच रहे हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर वॉज दैट वॉज नैग, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को याद था या नहीं याद था, बट इसका करेक्ट आंसर वही है। चलिए जी आ जाइए खुल जा भाई, चलो। हाँ जी अंशिका चलो ओके, यहाँ पे मेरे आंसर्स लिखे हुए हैं पहले से ही, चलो फटाफट से कोई नहीं, बस ये दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं फिर चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चन। आ जाइए, दिस इज अ नॉन प्रोटीनियस एंजाइम, कौन सा एंजाइम है इसमें जो नॉन प्रोटीनियस है। हाँ जी मुझे पता था इसका आंसर आने वाला है फटाफट से, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया। और नेक्स्ट का, अ मैक्रो मॉलिक्यूल काइटिन इज, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे जवाब, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड। सेवेंथ क्वेश्चन पे एक बार आ जाइए बस, फिर हम लोग यहाँ पे आज एंड करते हैं अपना सेशन, एक एक एट और कर लेते हैं, ठीक है। दिस बायो मॉलिक्यूल इज करेक्टली कैरेक्टराइज, अगर आप लोग को इसका स्ट्रक्चर भी नहीं याद है, बट मैंने आपको उस टाइम पे हल्का सा एक हिंट दिया था, अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने पढ़े थे जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। मैं एक दिन अपना ना एक स्पेशल लेक्चर लगवाऊंगी अमाइनो एसिड्स के लिए, आप लोग भी प्लीज वो क्लास ज्वाइन करना। ग्लाइसिन और एलानिन जो कि क्या सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स है हमारे, सी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या था, NH2 एक साइड पे आपको पता है, एक साइड पे हमारा सी डबल बॉन्ड OH, एक साइड पे ऊपर तो हमारा हाइड्रोजन फिक्स, और यहाँ पे एलानिन में हमारा क्या CH3 आ जाता है, और ग्लाइसिन में क्या आ जाता है इसकी जगह, यहाँ पे CH3 की जगह H, बस इतना सा डिफरेंस था। तो इतना भी अगर आपको पहला पॉइंट ही पता होता ना तो आप सही कर लेते। अब इसमें से इनकरेक्ट कौन सा था, तो इनकरेक्ट था आपको अगर आपको याद हो कौन सा वाला पार्ट, इनकरेक्ट वॉज कि ग्लाइसिन जो है एक सल्फर कंटेनिंग है, तो नहीं भाई ग्लाइसिन का अगर आपको ठीक है स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पता, बस इतना तो पता ही है कि ग्लाइसिन हमारा सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, ठीक है। बाकी जो सल्फर कंटेनिंग है दैट इज वन इज सिस्टीन और अनदर वन इज थ्रियोनीन, एक दिन लेंगे इस पे हम लोग लेक्चर।
तो आप सबको इसमें सारे के सारे जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। अब वो बच्चे क्लास में रुकिए जिनको कुछ भी डाउट है, बाकी फटाफट से भागते जाओ, द क्लास इज ओवर, बाय बच्चे जी, टेक केयर, गुड नाइट। नीट टू मीन्स अच्छा, उनका नीट का शायद वैसा वाले पेपर ही होता है ना, आपका प्री एंड मेंस वही वाला एग्जाम है। बाय बाय बच्चा लोग। नीतू, हिमानी, नीतू आज आपका आपका नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम दे रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था बिकॉज आप बार बार आ जा रही थी। हाँ जी बेटा, वही हिसाब है उसका, क्योंकि मैंने देखा था आप 3 से 4 बार बच्चे हैं, वो भी आए थे और गए थे। नीतू कभी कभी नेटवर्क में अगर प्रॉब्लम हो ना तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लिया करो, और रिकॉर्डिंग ना हो तो नंबर तो है ही मेरा, मेरा तुरंत नंबर ले लो और मैम से बोल, मतलब हमारी ना रिकॉर्डिंग कल कल आ जाती है। थैंक यू पीयूष जी, थैंक यू सो मच, बिकॉज आप लोग क्लास के कुछ वो वाले बच्चे जो अटेंटिव वाले बच्चे हैं तो आप पक्का वीडियो देखा करो, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बोला करो देखने के लिए, मेरे व्यूज थोड़े बढ़ जाएंगे। यू वेलकम शिबा, गुड नाइट बच्चा जी, गुड नाइट, टेक केयर।